सुमी में रूस का हवाई हमला हुआ है और ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। 52 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं यूक्रेन का दावा, 69 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। वही यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराया, तमाम दावे अभी यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, सुमी में मकान पर ये रूसी रॉकेट गिरा है, यूक्रेन ये कह रहा है। देखिए किस तरीके से एक मकान पर ये मिसाइल गिरती, कीव के नजदीक ब्रावरी में ये रूस का हमला हुआ है। रूस का हमला अब लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रावरी में रूसी हमले से चर्च जलकर राख हो चुका है। हालांकि यूक्रेन अपने दावे भी कर रहा है कि किस तरीके से वो जंग में लड़ता हुआ नजर आ रहा है और रूस को बहुत नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है सुमी में। इस बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि हवाई हमला सुमी में हुआ है। इस बीच बातचीत का तीसरा दौर भी हुआ जो नाकाम रहा। रूस और बेलारूस के लिए जो गलियारा बनाने की बात हो रही थी, यूक्रेन ने उससे इनकार कर दिया। अब फिलहाल स्थिति ये है कि रूस धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में जाने से बचता हुआ नजर आ रहा है जहां पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, क्योंकि वहां जाने का मतलब ये है कि आम लोगों की मौत और होगी। इसलिए अभी रूस अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ अलग ढंग से उन इमारतों पर हमला कर रहा है, उन जगहों पर स्ट्रेटेजिकली हमला कर रहा है जहां से एक दबाव यूक्रेन पर बनाया जा सके। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि हम अभी भी डटे हुए हैं, मदद की बात वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना मैं डरा हूँ ना छिपा हूँ, अभी भी मैं कीव में ही मौजूद हूँ।